प्रोस्टेट कैंसर मेंस में काफी कॉमन है। आज के समय में प्रोस्टेट कैंसर होने की स्थिति में घबराने की बजाय अगर हम सही डॉक्टरी सलाह उचित समय पर लें तो प्रोस्टेट कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस से बचने की संभावना बढ़ जाती है। आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा फ्रॉम आगरा। वेलकम डॉक्टर गौरव शर्मा, मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी दो ट्रीटमेंट और हैं, जैसे कि वॉचफुल वेटिंग एंड एक्टिव सर्विलेंस। जैसे कि कोई पेशेंट 85 इयर्स के आसपास है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, जैसे कि 5 साल है, 4 साल है, तो उन पेशेंट्स में हम ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो उनको हम वॉचफुल वेटिंग में हम रख देते हैं। जैसे कोई पेशेंट हमें डायग्नोज हुआ 40 साल में, 45 साल में, जिसकी फैमिली हिस्ट्री अगर रही हो, तो उन पेशेंट्स में अगर कैंसर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लोकली एडवांस है, तो उसमें हम एक्टिव सर्विलेंस कर सकते हैं। एक्टिव सर्विलेंस में हम 3 मंथली 6 मंथली एग्जामिन करते हैं प्रोस्टेट को, PSA कराते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ ग्रोइंग कैंसर, प्रोग्रेसिव कैंसर, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं उसके बाद। मेरा सवाल है आपसे कि किस तरह के नए और उपचार उपलब्ध हैं? प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए 5-6 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। फर्स्ट वॉचफुल वेटिंग, सेकंड एक्टिव सर्विलेंस, थर्ड इज सर्जरी, फोर्थ इज हार्मोनल थेरेपी, फिफ्थ इज रेडियोथेरेपी एंड सिक्स्थ इज कीमोथेरेपी। ये पेशेंट को डायग्नोज करके ही बताया जा सकता है किस पेशेंट को किस मेथड की जरूरत है, और ये मेथड कम्बाइन करके भी दिए जा सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या हैं? प्रोस्टेट कैंसर जानने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट होता क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि प्रोस्टेट है क्या। प्रोस्टेट एक मेल्स में ग्रंथि होती है जो कि पेशाब के थैले के मुंह के नीचे होती है, जिसका आकार अखरोट के बराबर होता है और शेप भी अखरोट के बराबर ही होती है। ये ग्रंथि पेशाब के नली के चारों तरफ होती है। प्रोस्टेट कैंसर के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। जैसे जैसे प्रोस्टेट बड़ा होता है, जिसे लोग प्रोस्टेटोमगैली या फिर BPH जनरल टर्म में बोलते हैं, जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि रात में बार बार पेशाब जाना, दिन में बार बार पेशाब होना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, पेशाब ज्यादा देर तक रोक ना पाना या पेशाब में खून आना। मेरा सवाल है आपसे कि क्या एक आदमी प्रोस्टेट कैंसर से बच सकता है? प्रोस्टेट कैंसर बहुत फास्ट ग्रोइंग कैंसर नहीं है, जैसे कि और कैंसर से कंपेयर करें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोलोन कैंसर होता है, पेशाब के थैले का कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर 4-5 महीने में बढ़ के इधर उधर फैल जाएगा। इसके लिए हमें टाइम मिलता है, इसको डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट से बात करके ट्रीटमेंट मेथड्स हम डिस्कस कर सकते हैं जो बेस्ट रहेगा उसको देने के लिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम से हो जाए तो एक 5-year सर्वाइवल डाटा आता है। 5 साल तक ट्रीटमेंट के बाद कितना परसेंट पेशेंट जिंदा रहेंगे, वो अराउंड 100% है। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर का निदान कैसे किया जाता है? जब किसी पेशेंट्स को इस तरह की दिक्कतें आने लगे तो उसको तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एज के अकॉर्डिंग इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे कि मोस्टली केसेस 65 इयर्स के बाद ही दिखते हैं। अगर पेशेंट को ये दिक्कतें आ रही हैं, पेशाब में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जाकि उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके। इन्वेस्टिगेशन में एक स्क्रीनिंग मेथड है जिसे हम PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ा हुआ पाया जाता है। वो एक इंडिकेटर है हमारे लिए कि हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी दो ट्रीटमेंट और हैं, जैसे कि वॉचफुल वेटिंग एंड एक्टिव सर्विलेंस। जैसे कि कोई पेशेंट 85 इयर्स के आसपास है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, जैसे कि 5 साल है, 4 साल है, तो उन पेशेंट्स में हम ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो उनको हम वॉचफुल वेटिंग में हम रख देते हैं। जैसे कोई पेशेंट हमें डायग्नोज हुआ 40 साल में, 45 साल में, जिसकी फैमिली हिस्ट्री अगर रही हो, तो उन पेशेंट्स में अगर कैंसर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लोकली एडवांस है, तो उसमें हम एक्टिव सर्विलेंस कर सकते हैं। एक्टिव सर्विलेंस में हम 3 मंथली 6 मंथली एग्जामिन करते हैं प्रोस्टेट को, PSA कराते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ ग्रोइंग कैंसर, प्रोग्रेसिव कैंसर, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं उसके बाद। मेरा सवाल है आपसे कि किस तरह के नए और उपचार उपलब्ध हैं? प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए 5-6 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। फर्स्ट वॉचफुल वेटिंग, सेकंड एक्टिव सर्विलेंस, थर्ड इज सर्जरी, फोर्थ इज हार्मोनल थेरेपी, फिफ्थ इज रेडियोथेरेपी एंड सिक्स्थ इज कीमोथेरेपी। ये पेशेंट को डायग्नोज करके ही बताया जा सकता है किस पेशेंट को किस मेथड की जरूरत है, और ये मेथड कंबाइन करके भी दिए जा सकते हैं।